मुर्गी आकाश में कितने देर तक उड़ता है? जी हाँ, आप इस वीडियो में बने रहे, आपको पूरी जानकारी मिलेगा कि मुर्गी आकाश में कितने देर तक उड़ता है। जी हाँ, आप चार सेक्शन में भी लिख सकते हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। किस खिलाड़ी को भारत रत्न पुरस्कार पहली बार मिला? उसके पहले किसी को भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया था, वह कौन सा खिलाड़ी है? आप लोग उस खिलाड़ी का नाम जानते हैं, लेकिन आप जानते नहीं हैं कि वह किस का मने यानी कि उसे पहली बार ही दिया गया था। जी हाँ, उस खिलाड़ी का नाम है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल हॉकी विश्व में पहली बार कहाँ आयोजित किया गया था? विश्व का सबसे पहला हॉकी कहाँ खेला गया था? कोई ना कोई स्थान होगा जहाँ पर पहली बार हॉकी खेला हुआ था। जी हाँ, एक ऐसा जगह है जो पहली बार विश्व में हॉकी खेला गया था, उस जगह का नाम है बार्सिलोना। बार्सिलोना में पहली बार हॉकी खेला गया था। मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। कौन ऐसा जानवर है जिसका दिल एक मिनट में 300 बार धड़कता है? जी हाँ, एक ऐसा जानवर है जो आप लोग जानते हैं, लेकिन यह नहीं जानते हैं उसका कि एक मिनट में 300 बार दिल धड़कता है। जी हाँ, आप लोग सब कोई को पता है उस जानवर का। उस जानवर का नाम है हाथी। हाथी का दिल एक मिनट में 300 बार धड़कता है। जी हाँ, मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा तो कौन सा एक ग्रह है जो कि माता यानी कि देवी के नाम पर है, जिसको देवी कहता है? बाकी ग्रहों को देवता यानी कि शुक्र भगवान, शनि भगवान, मंगल भगवान, सब मंगल ग्रह यानी कि सब देवों के नाम पर रखा हुआ है, लेकिन एक ग्रह है जो देवियों के नाम पर है। जी आप लोग उस पर रहते हैं, अब तो जान गए होंगे कि किस ग्रह का मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, पृथ्वी। पृथ्वी है जो देवियों के, पृथ्वी माता कहता है। मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल। अमेरिका में एक चर्च है, उस चर्च का क्या नाम है मैं आपको बताता हूँ। उस चर्च में एक नियम है कि अगर आप उसमें छींक दे रहे हैं या ढेकार दे रहे हैं तो आपको कानूनन जुर्म किया जाएगा और आपको सजा भी दिया जाएगा और उसका फाइन भी आपको भरना होगा और सजा भी काटना होगा। उस चर्च का क्या नाम है? जी मैं आपको बताता हूँ कि नेब्रास्का। नेब्रास्का चर्च में यह नियम है, आप नहीं ढेकार सकते हैं, नहीं आप वहां पर छींक सकते हैं। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा, आपके पूरे शरीर में जितने हड्डी है उतने हड्डी उससे चार भाग में एक भाग का हड्डी कहां पर है? जी मैं आपको बताता हूं कि पूरे शरीर का हड्डी का चार भाग में एक भाग मात्र जो कि पैर में ही हड्डियां है, बाकी तीन ही भाग बाकी शरीर में है, लेकिन पैर में एक भाग हड्डी है, चार हिस्से में एक हिस्से। मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दरियाई घोड़ा। एक दरियाई घोड़ा जब अपना मुंह यानी कि माउथ मुंह को अगर खोलता है पूरे, तो उसमें कितने फीट का आदमी उसमें एडजस्ट यानी कि पूरी तरह फिट हो जाएगा एक दरियाई घोड़ा के मुँह में? जी हाँ, अगर चार फीट का कोई बालक कोई आदमी है जिसको दरियाई घोड़ा के अंदर फिट किया जा सकता है, इतना बड़ा उसका मुंह होता है। जी हमारे वीडियो अच्छा लगा। कौन सा मरुस्थल है जो कि सबसे बड़े हैं, सबसे ठंडे हैं? जी हाँ, एक ऐसा मरुस्थल है जो कि सबसे बड़े हैं, सबसे छोटे हैं। जी हाँ, उस मरुस्थल का क्या नाम है? जी आपको बताता हूँ कि अंटार्कटिक। अंटार्कटिक मरुस्थल है जो कि सबसे बड़े हैं, सबसे ठंडे हैं, इसका यह गुण है। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को। अनानास फल कौन नहीं जानता है? आप लोग आशा करते हैं खाए होंगे, लेकिन अनानास फल को तैयार होने में कितने दिन लगते हैं, कितने वर्ष लगते हैं, कितने समय लगते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि अनानास फल को तैयार हमें पूर्ण रूप से 2 वर्ष लगते हैं। जी हाँ, 2 वर्ष से कम दिन में वो तैयार नहीं हो सकते हैं। मेरे अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब। कौन सा देश है जो आज तक कभी गुलाम नहीं हुआ? आप लोग कहेंगे कोई बड़ा देश होगा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। जी नहीं, आप लोग सुनकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, भारत पहले ऐसे गुलाम है। जी हाँ, लेकिन एक ऐसा देश है जो आज तक गुलाम नहीं हुआ है, नेपाल। नेपाल सुनकर आपका होश खराब हो गया। जी हाँ, नेपाल एक ऐसा देश जो आज तक गुलाम नहीं हुआ है। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा, यानी कि हेन। हेन मुर्गी
कितने देर तक वह उड़ सकती है पक्षी की तरह, पक्षी की तरह मुर्गी कितने देर तक वह उड़ सकती है, उससे अधिक नहीं उड़ सकती है। जी मैं आपको बताता हूँ कि मुर्गी 13 सेकंड से अधिक नहीं उड़ सकते। यहाँ रिकॉर्ड किया गया है कि 13 सेकंड से अधिक नहीं होता। आप लोग भी देखते होंगे कि मुर्गी ज़्यादा देर तक नहीं उड़ती है, सबसे देर उसका 13 सेकंड है। मेरे अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।